चलो हाँ, तो इसको डालेंगे पानी 3 लीटर मतलब 3.5 लीटर जो कि 3 एकड़ की। चलो और पंप सब रख लिया, स्टार्टर वगैरह दवाई रखी हुई है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज पानी गिर चुका रात में, तो दवाई डालने के लिए जा रहा है हम लोग, और टंकी वगैरह भर ली है और पंप सब रख लिया, स्टार्टर वगैरह दवाई रखी हुई है, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चल दिए हैं अब खेत, फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं खेत और घोल वगैरह बना रहा है। देखिए दोस्तों, डलने लगी है दवाई यहाँ से, और हम जा रहे हैं इस साइड से, यहाँ से डालेंगे। और ये कुछ ऐसा कुछ कचरा है, कनी वगैरह, और मक्के भी बहुत बढ़िया है, अच्छी शानदार कंडीशन में है। देखिए दोस्तों, इस वाले खेत में डल चुकी है दवाई, और वो लास्ट पंप चल रहा है वहाँ पे, और पूरे खेत में हो चुकी है कंप्लीट। तो अपन चलते हैं गड्ढा वाले खेत, वहाँ पे डालेंगे। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं गड्ढा वाले खेत, और इसमें भी डलने लगी है, वो बैठे महान मूर्तियाँ और एक, और बाकी बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा पानी ढोना वहाँ से रास्ता से अपने, वो खड़ा हुआ है ट्रैक्टर, तो ढोते जा रहा हो। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते पसीना ये बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और धूप भी निकल आई, मौसम भी साफ है, इसलिए और ज़्यादा गर्मी लग रही। मिट्टी भी गर्म हो चुकी है, पैदल चलते हैं तो ततूरी टाइप की लगती है। और बाकी डाल लेते हैं दवाई, इधर से इस साइड डल गई, उस साइड से इस साइड डल गई, बाकी 4 पंप इधर लगेगी, और फिर इस साइड रह गया मैं हट के अपने काम भी कहाँ से, तो बाकी डाल देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों डल गई गड्ढा वाले में भी दवाई, अब जा रहे हैं घर, शाम को बंदना में डाल दी, सब कुछ रखा हुआ है, चलते हैं। देखिए दोस्तों, चल दिए फिर से खेत, देखिए दोस्तों आ चुके हैं खेत, तो आप शाम भी हो चुकी है, तो इस डालेंगे अपन। ये है मेन कंट्री की एट्रेज, चलो हाँ, तो इसको डालेंगे अपन 3 लीटर मतलब 3.5 लीटर जो कि 3 एकड़ के लिए है, और ये खुला अपने मतलब एक्स्ट्रा लाए हैं रख के, क्योंकि अलग अलग रखवा कुछ के लिए अपन डालेंगे अलग, और दोनों पंप से डाल रहे हैं। और मक्का कंडीशन देख सकते, इस साइड खाद नहीं डल पाया, पानी नहीं गिरा, उस साइड डल चुका है। बाकी टंकी वगैरह अपन ने भर ली थी सब, डोरी वगैरह फैला की, बहुत हार्ड हो चुकी है और बिल्कुल काला है। दवाई ववाई भर के चलते उस साइड से अपन डालेंगे, उस साइड से साइड आते आके फिर इधर डाल देंगे अपनी 1 एकड़ इधर। तो अब घोल वगैरह बन चुका है सब, तो डालते हैं दवाई। काम धाम लगे रहे तो अपन ज्यादा व्यस्त रहे तो ना, तो फ्री रह दे भाई। चालू 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 चल चल ले है, रहन दो अपन तो कौन गए। चलो तो कुप्पा लिया खेत वाला। देखिए दोस्तों, आज है डे 2, फिर से दवाई डालने के लिए, और रात में बहुत तेज पानी गिर गया था, तो अभी भी फिर से गर्मी लग रही है। शाम को अपन ने वहाँ पर डालते डालते बहुत तेज पानी आ गई, इसलिए उसकी वीडियो भी नहीं बना पाए, और बहुत ज़्यादा गड़गड़ा मतलब बिजली तड़क रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी भाग गई, तो वीडियो भी नहीं बना पाए। पूरे हैं अपने गड्ढा वाले के मक्का, तो जा रहा है ऊपर वाले खेत, एक पंप ये रख लिया, वहाँ की ट्रैक्टर वहाँ पे खड़ा हुआ, वो दवाई लेके आ रहा श्रीकांत, और एक पंप तो चल रहा है बड़ाई वाले में, और अपन ने वहाँ से उस मोटर को चालू कर लिया है, तो चलते हैं वहीं पर, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं खेत, और दवाई वगैरह बना रहे थे, मैंने पैन की दवाई बन रही, यूरिया डल रही अपनी बड़ाई वाले में, दवाई जो कि डाल रहे हैं, परमन डालेंगे इसमें, देख सकते हैं लगा हुआ बैटर मक्का, इसमें साइड ज़्यादा बहुत ज़्यादा नमी है, आप लोगों ने देखी होगी इस साइड में, मतलब कमी है नमी बोलते,
देख सकते बिल्कुल एक समकता है पूरा। इस साइड बहुत अच्छा है क्योंकि उस साइड गर्मी की फसल नहीं थी, इस साइड गर्मी की फसल और दवाई वगैरह बन रही सब, तो फिर डालते हैं। देखिए दोस्तों ये ऑर्गेनिक खाद जो कि अपन ने गेहूं की नरवाई से बन गया था, ये देखिए कितना अच्छा मक्का है। और बाकी उस साइड देखिए थोड़ा कमज़ोर है, इससे बहुत अच्छा है। अब इसमें भी एक दाना नहीं डाला खाद का, डीएपी वगैरह कुछ नहीं, यूरिया वगैरह। अब इसमें रखवाएंगे, यहाँ तक डल चुकी दवाई अपनी। अब इस साइड रह गई चार पंप डल चुकी, छः और डालना हो जाएगा ये कम्प्लीट। उसकी भी डल रही है या एक ही पंप से, आधी डल चुकी वो भी, तो डाल लेते हैं। ये दोस्तों डल चुकी है दवाई और पाइप जो जहाँ की तहाँ अपन उसको फंसा देते हैं, क्योंकि चूहे वगैरह उसको काटे ना, वासर वगैरह पाइप। और अपन चलते हैं ट्रांसफार्मर के पास, उसकी डोरी निकाल आते हैं वहाँ से, और दवाई पूरी डल चुकी है। तो अब चलते हैं घर, और अपनी लगभग पूरी दवाई डल चुकी है। आई होप आप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब करें, और ऐसी फार्मिंग की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए राम राम।